नमस्कार, सीनियर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोया बड़ी की सब्जी। तो चलिए हम बनाते हैं नए तरीके से सोया बड़ी की सब्जी। सोया बड़ी बनाने के लिए हम एक बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे सोया बड़ी। देखिए, सोया बड़ी आप छोटा वाला यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में, क्योंकि बड़ा वाला थोड़ा कम अच्छा लगेगा। और ये अगर हम ऐसा बनाएंगे बिल्कुल जैसे शादी में बनता है ना पार्टी में, वैसा ही लगेगा। आप एक बार बनाएंगे इसको तो आप सच में और सब्जी और फटाफट बनने वाली ये सब्जी है। तो चलिए हम बनाते हैं पहले से। देखिए, सोयाबीन को हम पहले ये सारा इसमें डाल लेंगे। आप अपने परिवार के हिसाब से रख सकते हैं जितना आपको बनाना है। इसमें डालेंगे हम गर्म पानी। ये देखिए, आप चाहें तो इसके अंदर नींबू चाहे और भी कोई चीज़ फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं। हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। मैं इसमें हाफ स्पून से भी कम मैं नमक इसमें डाल देती हूँ। इसको हम 10 मिनट भिगो के रखेंगे। ये हमारा अच्छे से जब भीग जाएगा तब इसको अच्छे से हम पानी में से निकाल के एक दो पानी धो के वॉश करके अच्छे से तब हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो चलिए हम इसको ढक देते हैं। सोयाबीन बनाने की सामग्री है एक कटा हुआ प्याज, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, 3 से 4 लहसुन की कलियां और 1 से 2 हरी मिर्ची। और हमने खसखस लिया है, खसखस को भिगो रखा है। आप चाहें तो इस पे इसकी जगह काजू भी डाल सकते हैं, मूंगफली भी भिगो के डाल सकते हैं। और 1 चम्मच लिया है हमने चाट मसाला, और बाकी हमने स्वाद के लिए नमक ले रखा है। तो चलिए हम बनाते हैं। 1 कप फ्रेश दही लिया है सोया बड़ी बनाने के लिए। देखिए, सोया बड़ी बनाने के लिए बिल्कुल फ्रेश दही चाहिए और मीठी दही चाहिए, ज़्यादा खट्टी ना हो, नहीं तो बहुत खट्टा हो जाएगा सब्ज़ी में। तो इसलिए हम मीठी दही हमने लिया है 1 कप। और देखिए, हमने ये सोया बड़ी बिल्कुल भिगो के अच्छे से हमने इसको कर लिया है और पानी हमने अच्छे से निकाल दिया है इसका। अब हम इसको बनाने के लिए तैयार करेंगे। तो अब ये जो हम दही है, दही को एक बर्तन में डालेंगे और इसको अच्छे से किसी भी चीज़ से, चम्मच से या आप किसी भी चीज़ से, आप इसको अच्छे से ऐसा बिल्कुल स्मूथ दही बनाना है, जैसे बिल्कुल इसमें कोई भी लम्स ना हो। देखिए, चाहे इस तरीके के कोई भी आपके पास सामान हो उसके उससे आप इसको भी देखिए, मेरा बिल्कुल स्मूथ सा दही बन गया है, इसमें कोई लम्स नहीं है। ऐसे हम डालेंगे 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे नमक। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि हम बनाते समय भी सब्ज़ी में यूज़ करेंगे, इसलिए बस हम सिर्फ फ्लेवर के लिए ही इसके अंदर डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आराम से सारा इसमें डाल देंगे। देखिए, चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। आपको अगर अपना बड़ी का हिसाब ना समझ में आए तो आप इतना ही दही लीजिएगा जिसमें अच्छे से इसकी बड़ी के ऊपर कोटिंग हो जाए। हमने इसको अच्छे से बड़ी पे हमारी कोटिंग हो गई है। अब हम इसको 5 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। उसके बाद हम तब तक हम अपना प्याज भून लेते हैं। चलिए, तो हम इसमें डालेंगे ऑयल। देखिए, हमारा ऑयल ये गर्म हो गया। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, ब्राउन होने तक, मीडियम फ्लेम पे करना है इसको। बिल्कुल ब्राउन हो गया ये प्याज, आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा भून सकते हैं, पर हमारे लिए ये ग्रेवी बनाने के लिए परफेक्ट है। अब हम इसको गैस बंद कर देंगे और हम इसी तेल में सारा सब्जी इसी तेल में, बचे हुए तेल में ही बनाएंगे, इसलिए हम तेल को बिल्कुल भी नहीं साथ में लेंगे। इसको किनारे करके और गैस को बंद करके और हम सारा वैसे ही निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा करके ही पीसेंगे। मिक्सी जार में कभी भी कोई सामान पीसिए तो ठंडा करके, नहीं तो गैस बन जाता है, इससे जलने का डर होता है। एक मिक्सी जार लेंगे, मिक्सी जार ले लेंगे, उसमें हम ये जो प्याज भुना हुआ था इसको डालेंगे, ये जो हमने खसखस लिया था उसको डाल देंगे, हरी मिर्च, जो हमने ये लहसुन लिया था, लहसुन को आप चाहें तो प्याज के साथ भी भून सकते थे, पर मेरे को थोड़ा सा अलग फ्लेवर चाहिए इसलिए मैं कच्चा ही डालूंगी इसको, बाद में पकाते समय भूनूंगी इसको। अब इसको हम
फाइन पेस्ट बनाएंगे, मगर उतना फाइन नहीं, जैसे दरदरा सा हो वैसा इसका पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं इसका पेस्ट। ऐसे हमने दरदरा सा किया है इसको। अब हम तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसको हम इसमें डाल देंगे। आसान है। और देखिए हम इसको अच्छे से भूनेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे इसको। अब इसमें डालेंगे हल्का सा हल्दी पाउडर, हमने हल्दी पाउडर इसमें भी डाल रखा था इसलिए हम हल्का सा डालेंगे। एक से डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला। हल्का सा डाल देंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार। हमने इसमें मिर्ची नहीं डालेंगे, मिर्ची उसमें भी डाला था और हरी मिर्ची भी हमने यूज किया था, इसलिए हम इसमें एक चम्मच ही डालेंगे नमक। उसके बाद स्वाद के अनुसार आप नमक कम हो तो डाल लीजिएगा। अब इसको हम थोड़े देर पकने के लिए छोड़ेंगे जिससे इसका तेल जो भी है वो निकल जाए। हमारा ये ऑयल कितने आराम से छोड़ दिया है। अब इसमें हम मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, अब इसमें हम डाल देंगे इसको। देखिए ये भी हमारा अच्छे से हो गया है, और इसके अंदर हम इसको डालेंगे। इसको अच्छे से चला देंगे। तो देखिए हम इसको अच्छे से मिलाएंगे डालने के बाद इसमें, ताकि ये जो दही है ना फटे नहीं। अब जब तक हम इसको चलाएंगे तब तक ये पूरा अच्छे से गर्म होना हो जाए, और अच्छे क्वांटिटी में इसको पूरे डिग्री में ना आ जाइए, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो दही हमारी फट जाएगी और सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो देखिए अब देखिए इसमें बुलबुले आ गए हैं। अब हम इसको ढक के भी छोड़ेंगे तो ये दही हमारी फटेगी नहीं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से ये पकेगा जिससे इसका तेल भी उभर के आएगा, और जो और ग्रेवी भी बहुत अच्छे से बन जाएगी, मसाला एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। इसी से डाल लेंगे जो हमने पानी लिया था ना दही का, इसी करो इसे मिला के मिक्स करके हम डाल देते हैं इसमें से सारा। और जो अपना दही का भी जो तेल होता है, एक फ्लेवर होता है, वो भी छूट जाएगा इसमें से, उभर के आएगा। तो चलिए इसको हम ढक देते हैं, मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। देखते हैं हम सब्जी कैसी बनी है। तो देखिए तेल हमारा बिल्कुल छोड़ दिया है और सब्जी हमारी बहुत अच्छी बनी है। देखिए मैं पास से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है, ये देखिए। और चलिए हम इसको गैस को बंद कर देते हैं, एक बाउल में आपको सर्व करके दिखाती हूँ। हमारा ये सब्जी बनके तैयार है, और कितना अच्छा लग रहा देखिए, खाने में भी बहुत टेस्टी है ये। और खाइए और खा के बताइए कैसा बना है। देखिए हमारा सोया बड़ी की सब्जी बनके कितना अच्छे से तैयार हो गया, और बहुत कम टाइम लगता है सोया बड़ी की सब्जी बनाने में। और खाइए और एंजॉय कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।